आज हमारे शहर में किस तरह की भीड़ लग रही है ये मैं आप सभी को भी दिखाता हूँ। मैं तो यहाँ पर बस मॉर्निंग वॉक के लिए आया था और यहाँ गाइस कुछ लोग नाचे जा रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या मस्त सूट है। वाह वाह, अरे वाह भाई, क्या सूट है, मजा ही आ गया इनको देख कर। ओ माय गॉड, इन सबको कौन से सूट दिख रहा है, मुझे तो कोई सूट नहीं दिख रहा। क्या आप सभी को भी गाइस कोई सूट दिख रहा है, मुझे तो कोई सूट दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अरे क्या ही खूबसूरत सूट है। अरे गाइस, ये लोग लगता है पागल हो चुके हैं, पता नहीं कौन से सूट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं दिखते वो सूट गरीब लोगों को। हाँ, अरे मुझे तो दिखने लगे गाइस यहाँ पे सूट, ये बोल रहे थे गरीब लोगों को नहीं दिखते, मैं तो गरीब हूँ। अगर गाइस आपको भी सूट दिख रहे हैं ये तो देखो गाइस कितने खूबसूरत आयरन मैन के सूट हैं। अरे बाप रे, लेकिन हमारे शहर में, ओ माय गॉड, यहाँ पर सिर्फ आयरन मैन के ही नहीं, यहाँ तो दोस्तों जायंट आयरन मैन के सूट हैं और गाइस यहाँ पर हल्क के सूट भी हैं, आयरन मैन छोटे वाले के भी सूट हैं। लेकिन ये सूट हमारे शहर में आए कहाँ से, इतने खूबसूरत खूबसूरत सूट्स, लगता है गाइस कोई तो राज है। हे सर, मुझे बताओगे। अरे भाई हम भी खरीदते हैं कोई नया सूट। क्या ये कुछ नए सूट खरीद रहे हैं? एक मिनट गाइस, साइड में एक ऑनलाइन शॉप आ रही है और यहाँ पर ये लोग उस पर ब्राउजिंग कर रहे हैं। हम बनेंगे बहुत ही सुपर आयरन मैन। क्या चल रहा है गाइस, एक मिनट, बाय नाउ चल रहा है। ओ माय गॉड, इन्होंने 3 सूट अभी अभी खरीदे मेरे सामने। और गाइस देखिए इनको, एक तो हल्क बन गया, एक बन गया सुपर आयरन मैन और एक और आयरन मैन। ओ माय गॉड, ये सब कितने अमीर हैं यार। हे गाइस, मुझे भी बता दो मैं कैसे खरीदूं इन सूट्स को। और भैया, उसके लिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाना होता है, ऐसे नहीं दिखते वो, समझा। और साइट अनलॉक करने के लिए जरूरी है। ओ ऐसी बात है, तो दोस्तों ये लोग बता रहे हैं कि अगर मुझे उस वेबसाइट तक पहुंचना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाना होगा आप सभी से। तो दोस्तों जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, देखिए साइट लॉक पड़ी है, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नाम लिख दो जिससे कि मैं आपके को नाम पढ़ पाऊं, तब तक हमारी साइट भी अनलॉक हो जाएगी। कम ऑन गाइस, डू इट डू इट डू इट, कम ऑन कम ऑन। मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। ऑल राइट गाइस, यहां पर देखिए हमारी जो वेबसाइट है अनलॉक हो चुकी है। ये तो एक मुझे व्हाइट एंड ब्लू आयरन मैन की साइट लग रही है, लेकिन यहां पर तो यार सारे सूट लॉक्ड है, $1 से लेके $100 million तक के। ओ भाई मुझे ये सूट चाहिए, ये तो व्हाइट एंड ब्लू आयरन मैन के सूट्स होंगे जरूर। गाइस चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर यार $1 वाला कमाते हैं। मजा मजा, मेरे पोते को बचाओ। अरे बाप रे गाइस, ये यहां पे आके सो गया। अरे अंकल जी क्या हो गया, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा पोता, मैं तो बूढ़ा हूं, इसके मम्मी पापा बाहर गए, इसको कोई बचा लो। मैं इसके मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, मैं बहुत ही बूढ़ा और गरीब हूं, ए बच्चे मेरे बच्चे को बचा ले। अरे बिल्कुल, मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा, बताइए क्या हुआ। वो उस घर में फंसा हुआ है, अगर तूने मेरे छोटे से पोते को बचा लिया तो मैं तुझे $1 दूंगा इनाम में। गाइस यहां पर हमने अगर इन दादाजी के पोते को बचा लिया तो यार इनके दादाजी के जो पोते हैं वो भी बच जाएंगे और साथ साथ में हमें $1 मिल जाएगा जिससे हम नया सूट खरीद लें। अरे बाप रे, कितनी बुरी आग लग रही है, हमें जल्दी से उस प्यारे बच्चे को बचाना होगा। बचाओ मुझे, बचाओ अंकल जी को, तो बचा लो पापा मम्मी। अरे बाप रे, बच्चा कहाँ पर है, आवाज तो आ रही है गाइस, मुझे दिख नहीं रहा है। हे बच्चे कहाँ पर है, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, मैं तुझे बचाने आया हूँ। मुझे बहुत जोर से आग लग रही है, बचाओ बचाओ। अरे गाइस यार, बच्चा है कहाँ पर, एक मिनट, वो रहा बच्चा। अरे टेबल के नीचे, क्या बात है गाइस, बच्चा काफी समझदार है, टेबल के नीचे छुपा हुआ है जिससे कि इसको ज्यादा हार्म ना हो। हे बच्चे मेरे पास सुन, चल मेरे साथ अभी कभी। ओ माय गॉड, मैं जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे बचा लो कोई, मुझे डर लग रहा है। अरे वो अंकल जी, आपने मुझे बचा लिया, मेरे दादाजी कहाँ है। तेरे दादाजी वो रहे सामने, मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा पोता है, तू ठीक है। जी जी, अंकल ने मुझे बचा लिया, मेरा छोटा बच्चे को तूने बचाया, मैं इस बात से बहुत खुश हुआ है। मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो वो भी मैं तुझे दे देता, फिलहाल मेरे पास $1 रह गया। शुक्रिया अंकल, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे गाइस यहाँ पे अच्छा हुआ हमने ना एक छोटे से बच्चे को बचाया और हमें $1 मिल गया। चलो अब चलते हैं उस ऑनलाइन शॉप पर जो कि ब्लू एंड व्हाइट आयरन मैन की है, देखते हैं गाइस अपना फोन खोल के कि $1 में हमें कौन सा सूट मिलेगा। तो गाइस देखिए, लेफ्ट में टॉप पे ना $1 का सूट आ रहा है, इसको हम बाय करते हैं। तो ये किया हमने बाय नाउ पर क्लिक। ऑल राइट गाइस, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, देखिए मेरा सूट आधा ब्लू है एंड आधा व्हाइट है। लेकिन गाइस $1 में ना अभी हमें इतना ही मिला, हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो भी आई जाएंगी, लेकिन उसके लिए दोस्तों अभी और पैसे हमें कमाने पड़ेंगे जिससे हम नए सूट खरीद लें। एक मिनट, ये तो प्रीस अंकल का कॉल है। और आप फ्रैंकलिन भैया, हमारी मदद करो, हमारे पास आओ। बिल्कुल हमारी मदद करो फ्रैंकलिन, नंबर बाद हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जल्दी से लॉस सैंटोस में मिलो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। गाइस पुलिस वाले मुझे बुला रहे हैं, वैसे मैंने इनकी काफी बार मदद की है। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई बड़ा, अभी कुछ 3-4 चोर आए थे और शायद उनकी गैंग भी थी, उन्होंने हम सारे के सारे पुलिस इंस्पेक्टर के जो लीगल हथियार थे सबको चोरी कर लिया। अगर सरकार को पता चला कि पुलिस अपने हथियारों की रक्षा नहीं कर सकती तो वो शहर की क्या करेगी, तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमारे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, हम क्या कमाएं दवाएंगे। प्लीज इस शहर के लिए और हमारे लिए उसको लेकर आए, हम तुझे इनाम देंगे। ओह माय गॉड गाइस, हमारे शहर की पुलिस के सारे हथियार चुर चुके हैं और वो कुछ चोरों ने चुराए जो कि हमारे शहर के ही हैं। दोस्तों अगर मैंने उन हथियारों को पुलिस को वापस ला के दे दिया इनको पीट कर, तो दोस्तों हमारे शहर की पुलिस की इज्जत बच जाएगी और हमें
साथ में कुछ इनाम भी मिलेगा। और अब यही को नंबर मारो, अब हथियार निकाल के मारो। अरे गाइस, ये लोग जानते नहीं है मेरे पास एक आयरन मैन का सूट है जो कि टोटली बुलेट एंड फायर प्रूफ है, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए गाइस, मैं किस तरह से यहाँ पर देखिए जितने भी गूंस मुझे दिख रहे थे सबको मारा। ए बताओ पुलिस के जितने भी हथियार वो कहां पर है? गाइस यहाँ पर मैंने सारे के सारे विलन्स को तो एलिमिनेट कर दिया है, बाकी हमें जल्दी से वो जो हथियार थे उनको चेक करना पड़ेगा। अरे गाइस यहाँ पे तो 3 क्रेट रखी है बड़ी बड़ी सी, मेरे हिसाब से जरूर हमारे जो पुलिस स्टेशन है लॉस सैंटोस का उसके सारे हथियार इन्हीं में स्टोर है। तो चलो काम करते हैं, क्रेट्स को लेकर चलते हैं अपने पुलिस वालों के पास। और गाइस उनकी इज्जत बच जाएगी, हमारे शहर भी बच जाएगा, और दोस्तों हमें ना पैसे भी मिलेंगे इस काम के। तो गाइस यहाँ पर हम ना फाइनली पुलिस वालों के पास आ चुके हैं। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, आ जाओ बच्चे आ जाओ, तुम सारे हथियार ले आए, बहुत शुक्रिया, तुमने पुलिस की बहुत ज्यादा मदद की है, तुम ऐसे ही करते रहना हमेशा, हम तुम्हें हमेशा इसी तरह से इनाम देते रहेंगे। ये लो पूरे $70,000। ओह माय गॉड गाइस, मेरे पास $70,000 आ चुके हैं अकाउंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और गाइस अभी $70,000 में हमें कोई नया आयरन मैन का सूट मिलेगा या नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे छत पे आ गया हूँ एक घर की, जिससे कि मुझे अच्छे नेटवर्क मिले। ऑलराइट गाइस, ये ऑनलाइन शॉप पे ना बिल्कुल टॉप पे देखिए मिडल में एक $70,000 का सूट है, पता नहीं कौन सा, इसको हमने बाय किया। माय गॉड गाइस देखिए, यहाँ पर मैं उड़ना स्टार्ट हो गया जैसे मैंने सूट बाय किया, और मेरे पीछे तो विंग्स भी लग गए। हो ये बहुत ही ऑसम सूट है गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है, क्या स्पीड में उड़ रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अबे स्टार्क के घर पे ये क्या हो गया? अब फ्रैंकलिन मैं बर्बाद हो गया, फ्रैंकलिन मेरी मदद कर। अबे भाई लेकिन तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरे मेरे पास फोन तक नहीं बचा यार, सब कुछ चोरी हो गया, ब्लू डेविल आया और उसने मेरे पनिशर हल्कबस्टर को छीन लिया और मेरे फोन वोन सब डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे मैं किसी से मदद ना मांग पाऊं। साथ साथ में मैंने अपने लॉस सैंटोस के सबसे हाई सिक्योरिटी को लगा रखा था स्टार्क मेंशन में, तू देख ही रहा है आसपास दीवारों में, लेकिन भाई फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्लीज मेरा सूट वापस लेकर आ, मैं तुझे $15 मिलियन दूंगा सूट को वापस लाने के। क्या $15 मिलियन? तो गाइस हमें ब्लू डेविल हल्क को ढूंढना होगा और टोनी स्टार्क का ब्लैक पनिशर हल्क बस्टर ढूंढना होगा जिससे कि हम टोनी स्टार्क को वापस कर दें। यार ये तो बहुत गलत हुआ, मटा ही आ गया सूट को चुराकर। अरे गाइस ब्लू डेविल के पास देखिए टोनी स्टार्क का ब्लैक पनिशर हल्क बस्टर है जो कि कम से कम $200 से $300 मिलियन का होगा। और गाइस हमने इसे टोनी स्टार्क को वापस कर दिया तो हमें $15 मिलियन मिल जाएंगे। हे ब्लू डेविल तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत ही खतरनाक हूं समझा? ओ तो गाइस आप लोग ही बताओ आप किसकी टीम में हो, अगर आप मेरी टीम में हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और इसकी टीम में हो तो कमेंट में नो लिखो। मैं भी तो देखो कितने बच्चे अच्छे ही आए और अच्छाई को सपोर्ट करते हैं। और भाई तुझसे बोला तक नहीं जा रहा, तू बुरा आदमी है। नहीं मैं अच्छा आदमी हूं और मैं यहां पर अच्छे के लिए मिशन कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस हम यहां पर देखिए ब्लू डेविल को सही तरह से शबक सिखा रहे हैं ये ले, जिससे कि ये बाकी कभी भी किसी शरीफ सुपर हीरो या शरीफ आदमी का कोई भी सूट या फिर सामान ना चुराए। और गाइस हमने ब्लू डेविल को यहां पर सही तरह से पीट दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दे, आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा। देखा गाइस ब्लू डेविल तो सुधर गया है। अब यहां पर जल्दी चलते हैं टोनी स्टार्क के ब्लैक पनिशर हल्क बस्टर को लेकर। ऑलराइट गाइस यहां पर देखिए टोनी स्टार्क का ब्लैक पनिशर हल्क बस्टर एकदम अनहार्म्ड खड़ा है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ब्लू डेविल ने इसको कहीं बेचा नहीं किसी के पास। तो चलो गाइस हमने इसको अटैच कर लिया है। टोनी स्टार्क ने यार इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा दी देखा गाइस, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब फ्रैंकलिन तू तो मेरा सूट ले आया, बल्ले 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 बल्ले। गाइस यहां पर टोनी स्टार्क खुश हो रहा है, ओहो ये ले भाई तेरा सूट। आई फ्रैंकलिन यार थैंक यू सो मच, इसके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरा था। अब तू खुश रहे टोनी स्टार्क, इसलिए भाई मैं तुझे एक काम करता हूँ, पूरे $15 मिलियन तेरे अकाउंट में दे देता हूँ। यस गाइस अब टोनी स्टार्क हमको ट्रांसफर करने वाला है। देखिए वो फोन में कुछ कर रहा है। यस हमारे पास $15 मिलियन आ चुके हैं। गाइस किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम सभी, अभी जल्दी से यहाँ पर सेफ जगह आए एकदम, और यहाँ पर नेटवर्क भी अच्छा आएगा हमारे फोन का। ऑल राइट गाइस राइट में देखिए टॉप पर $15 मिलियन का एक सूट है जो लॉक्ड है, क्यों ना इसको अनलॉक किया जाए। बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे मिल गया एक गॉड व्हाइट एंड ब्लू एलिमेंटल आयरन मैन का सूट। ओह माय गॉड गाइस ये बहुत ही ऑसम लग रहा है यार, इसकी पावर्स भी मैं सही से यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसमें फीचर्स इतने सारे हैं। चलो क्यों ना इसकी पावर्स को अच्छे। एक मिनट गाइस ये किसका कॉल आ रहा है? मेरी मदद कर, मेरा रिवेंजर बोल रहा हूं। हां भाई क्या हो गया? जल्दी मेरे पास आ, मेरा स्टूडेंट खतरे में है। क्या गाइस हमें जल्दी से रेड रिवेंजर के पास चलना होगा, उसके स्टूडेंट खतरे में, लेकिन किससे? और भाई फ्रैंकलिन मैंने अपनी दुनिया में बहुत बुरे काम किए ये तो मैं जानता हूं, इसलिए अब मैं अच्छे काम करने लग गया हूँ। मैं छोटे छोटे रेड हल्क को पढ़ाने सिखाने लग गया हूँ। मेरे दो स्टूडेंट हैं जिनको बोलते हैं रेड मॉन्स्टर हल्क, प्लीज उनको बचा ले। लेकिन किससे? ब्लैक रिवेंजर हल्क से यार, उसने मिलिट्री बेस में उनको किडनैप कर रखा है। अगर तू मेरे स्टूडेंट्स को बचाएगा तो मैं तुझे $50 मिलियन दूंगा। क्या $50 मिलियन तेरे स्टूडेंट्स को बचाने के? बिल्कुल भाई प्लीज जल्दी जा और जाकर मेरे स्टूडेंट्स को बचा ले। हा हा मैं बहुत परेशान हूँ, चिंता मत कर गाइस, हमें रेड रिवेंजर की आज मदद करनी होगी। वो पहली बार जिंदगी मुझसे मदद मांग रहा है,
तो करना तो बनता है गाइस। और यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर, ये रहा, तू यहाँ क्यों आया? अरे हमको कोई बचा लो, निकल यहाँ से। नहीं निकलूंगा, क्या कर लेगा यार, ये तो लड़ाई कर रहा है। ये ले गाइस, हमें ब्लैक रिवेंजर को सही सबक सिखाना ही होगा। ये ले गाइस, देखिए यहाँ पर हमें रेड मॉन्स्टर हल्क्स को बचाने के लिए, जो कि रेड रिवेंजर के स्टूडेंट्स है, उनके लिए हमें इस ब्लैक रिवेंजर को सही पिटाई लगानी होगी। प्लीज मुझे माफ कर दे गाइस, यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर ने माफी मांग चुकी है। और यहाँ पर ये जो दोनों स्टूडेंट है उस रेड रिवेंजर के, अब बिल्कुल ही सेफ हो गए। चलो गाइस, तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के पास लेकर जाता हूँ। और वो हमारा स्टूडेंट नहीं, हमारा टीचर है। मैं कंफ्यूज हो गया था। तो गाइस अब दोनों को लेकर चलते हैं हम रेड रिवेंजर के पास, उसके बाद वो हमें $50 million देगा। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पर दोनों भाइयों को, जो कि रेड रिवेंजर के स्टूडेंट है, इनको हम रेड रिवेंजर के पास लेके आए। अब भाई फ्रैंकलिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले भाई तेरे दोनों स्टूडेंट। और भाई फ्रैंकलिन, मैं तुझसे बहुत ही खुश हुआ, इसी खुशी में मैं तुझे देता हूँ पूरे का पूरे $50 million। ये किए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर। ये ले। यस गाइस, हमारे अकाउंट में $50 million आ चुके हैं। किस बात का टाइम लगाते हैं हम लोग, जल्दी चलते हैं और जाकर गाइस किसी सेफ सी जगह पर इस $50 million का यूज करके हम खरीदेंगे एक नया आयरन मैन का सूट, जो कि बहुत ही ऑसम होगा। तो दोस्तों मैं फाइनली यहां पर आ चुका हूं, जल्दी खोलते हैं अपना स्मार्टफोन। गाइस देखिए, लेफ्ट में ना नीचे की साइड एक सूट है $50 million का। गाइस मैं तो ये सोच रहा हूं, पता नहीं इस बार कौन सा सूट मिलेगा, मैं तो पूरी तरह से यार एक्साइटेड हूं। तो चलो बाय नाउ पे हमने क्लिक किया। ऑलराइट गाइस, यहां पर हमें मिल चुका है एक ब्लू एंड व्हाइट अल्ट्रॉन सूट। कसम से ये बहुत ही ऑसम है, अब तो हम इसकी सुपर पावर्स का फुल मजा उठाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा कमाल का सूट है। ओह माय गॉड, देखिए मैं, अरे बाप रे इसकी तो पर, एक मिनट ये क्या, ये तो एक रिवेंजर हल्क है जो कि गोल्डन है। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? मैंने मिलिट्री बेस का सारा सोना चुरा लिया और अब इस देश की सरकार को मैं गरीब बना दूंगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। गाइस यार ये तो इलीगल सोना है, और ये गोल्डन रिवेंजर हल्क इसको चुरा के लेके आया बेचारी हमारी देश की सरकार से। गाइस यार ये बहुत ही गलत है, हमें इस रिवेंजर हल्क को रोकना होगा जो कि गोल्डन वाला है, और इसके सारे सोने को हमें अच्छे काम के लिए यूज करना होगा। निकल यहां से फ्रैंकलिन, ये ले तो ये ले। अरे वाह गाइस, इस बहाने हमारे ब्लू एंड व्हाइट अल्ट्रॉन सूट की पावर्स भी चेक हो रही है। देखिए मैं इसको कैसे पीट रहा हूं। और गाइस एक बार अगर मुझे वो गोल्ड मिल गया तो उसको हम पैसे में कन्वर्ट करके अपने आप के लिए एक नया $100 million वाला सूट खरीदेंगे। गाइस हमने यहां पर गोल्डन रिवेंजर कर दिया बेहोश, कुछ ही टाइम में पुलिस आती होगी इसको पकड़ने के लिए। बाकी गाइस हम जल्दी चलते हैं। अब गाइस इसमें से कुछ सोना तो हम सरकार को भेज देते हैं, बाकी का इसका 20-25% हम रख लेते हैं। पता नहीं गाइस इसका 20-25% ही कितना बैठेगा। तो गाइस यहां पर ना एक काम करते हैं, जल्दी से सारे पैसे को हमने कन्वर्ट कर लिया है। ऑलराइट गाइस, सारा पैसा हमने पुलिस को भेज दिया, उसमें से गाइस हमें मिल चुके हैं $100 million जो कि हमारा इनाम था। और गाइस अभी हम ना $100 million में एक नया सूट बाय करेंगे, जो कि देखिए लास्ट में ना $100 million का सूट है, पता नहीं कौन सा है, क्यों ना इसको अनलॉक करके देख लिया जाए। ऑलराइट गाइस, मैं तो यहां पर इस दुनिया का सबसे अनोखा दिखने वाला जायंट व्हाइट एंड ब्लू आयरन मैन बन चुका हूं। कसम से मैंने आज से पहले ये वाला सूट बिल्कुल भी नहीं देखा, ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। गाइस अगर आपको ये सूट पसंद आया ना तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। बाकी गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।